हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआईटी टेक एजुकेशन। आज के हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि हम किस प्रकार से आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक आपका एक पैराग्राफ या एक नोट्स हमने लिख रखा है जिसमें हमारा कोई भी ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई भी आपका एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हम जैसे जो भी चेंजमेंट करते हैं, कुछ ग्रामर के अकॉर्डिंग एरर करते हैं, कुछ स्पेलिंग एरर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कंप्यूटर में आपका यहाँ पे ई डिलीट कर दिया है और यहाँ पे इज की जगह आर कर दिया, तो जैसे ही आप देखोगे, जैसे कंप्यूटर में हमने ई को डिलीट किया है और इज को यहाँ पे आर कर दिया, तो उसके नीचे हमारी रेड लाइन आ गई है। ठीक है, और ऐसे ही हम कोई जो ग्रामर के अकॉर्डिंग एरर करेंगे तो उसके नीचे हमारी रेड लाइन आ जाएगी। अब इसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने पहले इसमें स्पेलिंग एरर है, जब हमारा स्पेलिंग एरर इसमें करेक्ट होगा उसके बाद ही हमारा वहाँ पर ग्रामर में एरर दिख शो करेगा। ठीक है, जो जो हम इसमें चेंजमेंट करना है, कोई भी हम यहाँ पे एरर और कर देते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम में हमने यहाँ पे ये डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे हमारा रेड लाइन आ गई है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में हमने अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इज की जगह हमने यहाँ पे आर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देख रहा होगा आपका ब्लू लाइन शो होने लग गई है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा कोई भी स्पेलिंग एरर होगा वहाँ पे रेड लाइन आती है, और कोई भी हमारा ग्रामर के अकॉर्डिंग एरर आता है तो वहाँ पे ब्लू लाइन आती है आपकी। ठीक है, तो हमने जो जो इसमें आपके चेंजमेंट कर लिए हैं कुछ ताकि हमें शो करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी रिव्यू टैब में जाएंगे और रिव्यू टैब में हमारा नॉर्मली यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर भी मिल जाता है और आपका यहाँ पे एडिटर भी मिलता है। तो जैसे हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपका यहाँ पे साइड में एक सिलेक्शन पेन ऑन हो जाएगी और वहाँ पे आपका शो करेगा कि स्पेलिंग एरर हमारे टोटल कितने हैं, 3 स्पेलिंग एरर हैं और ग्रामर में हमारे कितने एरर हैं, टोटल 3 एरर हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, कि एनालॉग में हमारे यहाँ पे चेंजमेंट करना है तो हमारा एनालॉग में चेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले हमारा अगर हम जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से हमारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते रिज्यूम चेकिंग करते तो हमारे यहाँ पे इसने शो कर दिया कंप्यूटर का हमारा क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूट हो सकता है, कंपर्ट हो सकता है। अगर हमें उसको सुनना है या उससे रिलेटेड वर्ड भी देखने तो हम यहाँ पे रीड अलाउड कर देंगे, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके नीचे, और यहाँ पे देखेंगे तो रीड अलाउड में हमारा उसको रीड करेगा। Processor, CPU. तो उससे रिलेटेड वर्ड भी हमारे यहाँ पे सिमिलर वर्ड भी आपका यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसकी यहाँ पे स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेल भी यहाँ पे आपकी इसकी रीड कर देगा। COMPUTER. ठीक है, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं जनरली उसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे प्रोग्राम में शो कर दिया, सेम हमारे यहाँ से चेंज करना था यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एनालॉग वर्ड है, एनालॉग में हमारे यहाँ पे गलती दिखा रहा है तो यहाँ पे एनालॉग को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग। हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है तो हम टॉप पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं और वहां से हम क्या करेंगे, रिज्यूम चेकिंग करेंगे, तो वहां से आपके इसने ग्रामर के अकॉर्डिंग दिखा दिया सिमिलर। अगर हम और देखते हैं इसके प्रॉपर तो यहाँ पे दिखा देगा कि अगर हमारा इंस्टेड इसकी बजाय क्या हो सकता है भाई, जैसे हमारा वांट नहीं होता, वांट्स होता है, वाज नहीं होता, वर होता है, तो यहाँ पे सिमिलरली इज आर की जगह क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। तो हमें ग्रामर के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम यहाँ से उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं आपका चेंज कर देंगे। नीचे आपका यहाँ पे शो कर दिया है आर की जगह हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, इज हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्पेशलाइज नहीं होता, आपका स्पेशलाइज होता है तो उसको चेंज करना है, हम उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड हमारे साथ में आ रखे हैं तो इनको अलग अलग सेपरेट करना है तो सेपरेट कर सकते हैं, अगर हम इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर कर दें तो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, जो जो हमें चेंजमेंट करने हैं। तो हम नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले रिव्यू में जाके और एडिटर में जाके या स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी और शॉर्ट बात करें तो हमारा क्या होगा, नॉर्मली हमें कुछ नहीं प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड में F7 को प्रेस करना है। जैसे ही हम F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा साइड में सिलेक्शन पेन में इसको शो करने लग जाएगा। ठीक है, होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।